हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, जीके सीरीज चल रही है हमारी एमपीजीएस के लिए और बिहार जुडिशरी के लिए, और आप यूपी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से। तो जीके की सीरीज़ है ये, सेकंड वीडियो है हमारी। और एक और अनाउंसमेंट है आज बेसिकली आप सबके लिए कि एक हमारा एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि आपके 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी ऑनलाइन क्लासेज होगी। ये कोर्स आपका जो भी है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये यहाँ पे पेड क्लासेज होंगी, आपके फ्री में नहीं होगा, ये पेड क्लासेज होंगी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने के लिए, जैसे आपने SRA पढ़ा है, जैसे आपने लिमिटेशन पढ़ा है यूट्यूब पे, उससे और ज़्यादा अच्छा, और आप कह सकते हो कि उसी प्रकार से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो इंडियन एविडेंस की क्लासेज के लिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है, नंबर दिया हुआ है 8950-47-6640 पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये 28 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी एविडेंस एक्ट की, और मैक्सिमम 40 to 45 डेज़ के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी जो वीडियो है जीके सीरीज का, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी, मध्य प्रदेश, द सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है, वो सिचुएट करता है बेसिकली एमपी के अंदर। तो साथ के साथ में आपको पता है तो आप अपना यहाँ पे आंसर भी मार्क कर सकते हो लाइव कमेंट्स में, और अपने आप का आंसर भी चेक कर सकते हो। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो है आपका वो खंडवा में है। तो इसको वन लाइनर के तौर पे आप अपने नोट्स बना लीजिए कि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट आपका जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएट करता है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? ये सबका आंसर आपका सही होना चाहिए। बेसिकली जो वहाँ के लोकल लोग पर्सन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका बिल्कुल सही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपके। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन आपके सामने, आप टिक कर सकते हो यहाँ पे पढ़ के, इतनी देर में आपने रेड कर लिया होगा। मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जब आप ऑप्शन बोलते हो तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आज आंसर ही बताऊँगा आपको, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे आपके, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, ये मध्य प्रदेश एमपी के पहले मुख्यमंत्री थे आपके। नेक्स्ट देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल फॉसिल पार्क सिचुएट? नेशनल फॉसिल्स पार्क कहाँ पे सिचुएट करता है, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप कहो तो मैं पढ़ भी देता हूँ। ऑप्शन ए मंडाला, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी अनूपपुर, ऑप्शन डी उमराई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो नेशनल फॉसिल पार्क है आपका वो डिंडोरी में है, डिंडोरी जो एमपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ही आपका नेशनल फॉसिल पार्क सिचुएट करता है। तो इसको वन लाइनर के तौर पे अपनी नोटबुक में नोट्स के प्रकार से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सीट, यहाँ पे ये सीर लिखा हुआ है, सीट आना था यहाँ पे, टाइप से मिस्टेक हो गई, टाइपिकल एरर है ये। द प्रिंसिपल सीट ऑफ द एम पी हाई कोर्ट इज एट, जो प्रिंसिपल सीट है, क्योंकि आपको पता है एम पी काफ़ी बड़ा स्टेट है और वहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना एक बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एम पी हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है, जहाँ प्रिंसिपली मतलब एक जो मेन आप कह सकते हो हाई कोर्ट कहाँ सिचुएट करता है या कहाँ बैठता है बेसिकली, तो ऑप्शन आपके सामने है जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। करेक्ट आंसर है इसका आपका जबलपुर जो है, वहां पे आपका एमपी का मेन हाई कोर्ट है जिसको आप कहते हो, बाकी जगह पे इसके बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं। नेक्स्ट आइए, रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो रिवर नर्मदा है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? यहां पर भी आपके ऑप्शन है भेड़घाट, अमरकंडक, डिंडोरी, इलाहाबाद। रिवर नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीके का, पूछा भी जाता है ये, काफ़ी बार पूछा भी गया, आ भी सकता है। तो ये सबका सही होना चाहिए। ऐसे जैसे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका है अमरकंडक से, आपकी कंटक से जो है रिवर नर्मदा ओरिजिनेट होती है, निकलती है वहाँ से, तो इसको अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, उसके ऑथर कौन है आपके? देखिए, बुक के नाम भी आपको पता होने चाहिए बेसिकली, यहाँ पे काफ़ी जो एक आप कह सकते हो लीडिंग बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके, उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि इस बुक को किसने लिखा है। तो यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसके ऑथर कौन है आपके? ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू एंड इंदिरा गांधी।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए, अगर आपको बताए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथ के साथ में, मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ और आप इसको वन लाइनर में अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो ऑथर हैं वो हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। देखिए जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, तो आप वन लाइनर में प्रिपेयर कीजिए, आप वहाँ पे ऑप्शंस मत लीजिए। ऑप्शंस मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको पता है तो आप अपनी नॉलेज को चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें कवरअप हो रही हैं, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो रही है यहाँ पे कि कितना जीके आपको आता है, कितना और आपको कवरअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मा भूषण अवार्ड। इज पद्मा भूषण अवार्ड आप सबने सुना है, किस चीज से रिलेट करता है वो? गैलेंट्री अवार्ड है, ब्रेवरी अवार्ड है, या सिविलियन अवार्ड है, या लिटरेरी अवार्ड है? तो पद्मा भूषण हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सारे अवार्ड हैं बेसिकली। इनका पता होना चाहिए आपको कौन सा अवार्ड किस चीज से रिलेट करता है। तो जो पद्मा भूषण अवार्ड है वो बेसिकली वो आपका सिविलियन अवार्ड है, एक सिविलियन इंसान को भी दिया जाता है पद्मा भूषण, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने वन लाइनर में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, और हाँ कंप्यूटर की भी सीरीज आएगी। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कंप्यूटर की और वीडियोस आएंगी, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चंस वही क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस है। मैं बनाना चाहूँ तो रेगुलर बेसिस बना सकता हूँ, बट वो फिर क्वेश्चन ऐसे पुट किए जाएंगे वहाँ पर जो एग्जाम में रेलिवेंट नहीं होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो, हम तो यही चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो और आप जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम क्लियर करके जज लगें। क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फॉल्स ऑन, जो एनवायरमेंट डे है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सबका सही होना चाहिए आई थिंक, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी डे हैं, नेशनल डे बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए उन चीज़ का। तो यहाँ पे हम बनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को, 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए द लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, लीडिंग फिश जहाँ मछली का उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया के अंदर? गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। मछली जो फिश की बात करते हो तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ फिश कौन से स्टेट में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है फिश की, जो मछली उत्पाद है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये चीजें भी देखिए, राइस, व्हीट, इनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है और आज के टाइम पे फार्मर एजिटेशन बहुत ज्यादा चल रही है, इस चीज का भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली इन हिंदी? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसके अंदर हिंदी में संबोधित किया था, अपना भाषण हिंदी में दिया था उन्होंने? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, मुरारी जी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री एंड अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारे भारत के पहले कैसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिंदी में संबोधित किया था? और इसका करेक्ट आंसर देखिए, जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएन की जनरल असेंबली में हिंदी में संबोधन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम दी अजंता पेंटिंग्स, एलोवेरा की गुफाएं या जनता की जो हैं गुफाएं हैं वहां पे, उसके अंदर जो पेंटिंग की गई है वो किस चीज के सीन्स को डिपिक्ट करते हैं? जैसे मूवी में एक सीन होता है, तो यहाँ पे अजंता की पेंटिंग में भी काफी सारे सीन्स को डिपिक्ट किया गया, दर्शाया गया है वहां पे बेसिकली। तो अजंता पेंटिंग डिपिक्ट करती है उन सीन्स को, इनमें ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जटाकस, उपनिषद। तो जो अजंता की पेंटिंग है वो बेसिकली आपको महाभारत के जो सीन हुए हैं, महाभारत में जो भी हुआ था, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वो डिपिक्ट की गई है वहाँ पे, इन्होंने एक पिक्टोरियल वे में डिपिक्ट की गई है। और पिक्टोरियल वे की जब आप बात करते हो तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं कि वो भी एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाई, ये एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर सावरकर, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे कि जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये बुक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम क्या है। करेक्ट आंसर है इसका आपका अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के आपके राष्ट्रपति भी रहे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो इंडिया विंस फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक भी अपने आप में, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, अगर आपको पता हो तो वो भी यहाँ पे साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही लिखी थी। तो ये था आज का हमारा जो सेकंड वीडियो थी GK के ऊपर। आई होप आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही भी होंगे और काफ़ी सारा आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी आपसे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारी जो 28 सितंबर से आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके। आज थोड़ा गला ख़राब है इसलिए आपको लगा होगा कि एनर्जी कम है सर के अंदर, गले में थोड़ी पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, लग रहा है कहीं मतलब कोरोना ना हो जाए मुझे। मुझे कोरोना हो गया तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएंगी, ठीक है? तो दुआ कीजिए मैं ठीक रहूँ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, हेल्प हो जाएगी आपकी काफ़ी सारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी आपकी जीके सीरीज़ की, तो रेगुलर बेसिस पे इनको प्रिपेयर कीजिए। देखिए जैसे हम डेली 10 या 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन देंगे जीके के, अगर अभी काफ़ी टाइम है, 80 डेज आप मान के चलिए कि नवंबर एंड में एग्जाम नहीं होगा आपका, दिसंबर में भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला, तो मान के चलिए कि आपके पास 100 डेज हैं, तो डेली हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे जीके के, तो भी आपके 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 100 डेज के अंदर। तो 1000 क्वेश्चंस मोर देन सफिशियंट होते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, स्ट्रेस फ्री होके स्लो मोड में चल के आराम से प्रिपेयर कीजिए, टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? और जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान रखिए अपना, नॉलेज रखिए, पढ़िए, खुद पढ़िए, देखिए न्यूज़ चैनल को मत प्रेफर कीजिए, न्यूज़ चैनल आपको पता है आज का मीडिया कैसा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि खुद आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, जो अभी बिल पास किए गए, जो ऑर्डिनेंसेज पास किए गए थे उनको एक बार पढ़िए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब के लिए बाय बाय, सी यू, गुड लक, टेक केयर।